बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, वो था विद्युत चुंबकीय विकिरण। और उसके साथ साथ अपन ने तीन परिभाषाएं पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहला पढ़ा था तरंग दैर्ध्य, दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा आवृत्ति, और तीसरा पढ़ा था तरंग संख्या के बारे में। आज हम ये जो तीन परिभाषाएं हैं, इन तीन परिभाषाओं के अनुसार सवाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार से आता है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। दो तीन एग्जाम्पल के द्वारा अपन इसको हल करेंगे। देखिए, सबसे पहला उदाहरण आपके पीछे यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य का परास दिया हुआ है। बैंगनी रंग का दिया गया है 500 nm से, लाल रंग का 750 nm तक है। तो इन तरंग दैर्ध्यों को आवृत्ति के रूप में प्रदर्शित करना है। आपको मान दिया गया है तरंग दैर्ध्य का, ठीक है, और ज्ञात क्या करना है अपन को, आवृत्ति ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें एक सूत्र ध्यान रखना है, जो सूत्र आपको बताया गया है कि C बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। ये एक कॉमन सूत्र है। C होता है इसके अंदर प्रकाश का वेग, ठीक है, और जिसका मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड फिक्स होता है। न्यू बराबर होता है आवृत्ति, और लैम्डा होता है तरंग दैर्ध्य। क्या होती है? तरंग दैर्ध्य। अब एक ये तो कॉमन सूत्र है। हमें यहां पर सवाल के अंदर क्या पूछा गया है, सवाल के अंदर ये पूछा है कि साहब आपको इसमें ना आवृत्ति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? आवृत्ति। अब आवृत्ति कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस सूत्र में थोड़ा सा चेंज कर दो आप। चेंज क्या करेंगे कि आवृत्ति बराबर हो जाएगा C/λ, बस ये सूत्र है, ठीक है ना। अब इस सूत्र के सहारे हम पहले बैंगनी रंग का और उसके बाद लाल रंग के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं बैंगनी रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए। अब बैंगनी रंग के लिए हम पहले लेते हैं आवृत्ति बराबर C/λ, ठीक है। देखिए, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और हमें यहां ये तरंग दैर्ध्य जो दी गई है, लैम्डा बराबर दिया गया है 500 nm, ठीक है, ये नैनोमीटर के रूप में दिया गया है, और इसको हम मीटर में परिवर्तित करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, 1 nm बराबर होता है 10⁻¹⁹ मीटर। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत स्पेशली ध्यान रखना है कि यहां पर आवृत्ति nm में दी गई है, इसको मीटर में परिवर्तित करोगे तो ये क्या हो जाएगा। देखो क्या होता है, 500 nm है, ठीक है ना। तो 500 × 10⁻¹⁹ अब ये किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगी, मीटर के अंदर बदल जाएगी, ठीक है। प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के रूप में दिया गया है। अब आप मान रखोगे इसके अंदर, तो म्यू बराबर, देखो सबसे पहले लिखेंगे 3 × 10⁸ बटा 500 × 10⁻¹⁹, ठीक है। अब इसको हल करना है, तो हल करेंगे तो इसके अंदर आप क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे। सबसे पहले ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस है, माइनस वाला किसमें परिवर्तित हो जाएगा, प्लस के अंदर बदल जाएगा। तो ऊपर जाते ही ये आ जाएगा 3 × 10⁸ प्लस 9, ये माइनस ऊपर गया, बटा क्या आ जाएगा, 500 बराबर क्या आ जाएगा, 3 × 10⁷ बटे 500। अब आप यहां 2 0 है, इसको ऊपर ले जाके कम कर दो तो 3/5 × 10⁻¹⁰ आ जाएगा। तो आप इसको हल अपने आप करना, ठीक है ना। इसका मान आप निकालोगे तो इसका मान लगभग अपने आएगा, वो आएगा 6 × 10⁴ के आसपास आएगा। ये किसका मान आ रहा है, आवृत्ति का, किसके रूप में, हर्ट्ज के रूप में, ठीक है। लगभग ये मान इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बैंगनी रंग का बताया है, वैसे के वैसे आपको क्या करना है, दूसरा कौन सा है हमारे पास, लाल रंग, लाल रंग का निकालना है।
तो देखिए अब लाल रंग है तो अपन लाल रंग से ही ले लेते हैं, ठीक है। तो लाल रंग के लिए, अब लाल रंग के लिए अपन निकालेंगे तो अपने पास सूत्र यही है ना, C अपॉन लैम्डा। C का मान 3 × 10^8, तो क्या आ जाएगा, म्यू बराबर 3 × 10^8 बटा, अब देखो लैम्डा का मान दिया गया है 750 nm, तो इसको मीटर में परिवर्तित करोगे तो क्या आएगा, 750 × 10^-9 मीटर के रूप में आ जाएगा। × 10^-9 से गुणा कर दिया, अब यहां लिखेंगे तो 750 × 10^-9। अब न्यू बराबर, इसको ऊपर ले जाओ तो 3 बटा, ये तो रहेगा 750 × अब ये जुड़ेगी तो 10^ क्या आ गई, ऊपर जाते प्लस में आ जाएगी, 17 आ जाएगी। अब आप इसको हल कर दो, हल करोगे तो इसका मान जो अपन को प्राप्त होगा वो आएगा लगभग 4 × 10^14 के आसपास आएगा, ये लगभग इसके बराबर, ठीक है। और इसमें भी मान अपन किस में ले रहे हैं, लगभग में ले रहे हैं, यानी लगभग आपको जो आप इसको हल करोगे तो हल करने के बाद हमें ये मान प्राप्त होते हैं हर्ज के रूप में, है ना। तो देखिए क्या करना है, ऐसा सवाल अगर आए तो ये सूत्र याद रखिए, क्या है कि C बराबर आवृत्ति, यानी प्रकाश का वेग बराबर होता है आवृत्ति इनटू तरंग दैर्ध्य। अब हमें आवृत्ति ज्ञात करनी है तो प्रकाश के वेग में तरंग दैर्ध्य का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। भाग देने के बाद फिर आप इसमें देखो, आपको ये किसके रूप में दी गई है, अगर एंगस्ट्रॉम में दी गई है तो आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-8 cm और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10^-10 m और यहाँ 1 नैनोमीटर है उसको दर्शाया गया है 10^-9 m के रूप में। तो ये क्या करते हैं, इसको चेंज करना पड़ता है और चेंज करके इकाइयों में फिर इसको हल किया जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। ये दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है कि ऑल इंडिया रेडियो जयपुर का विविध भारती स्टेशन, यानी हम कह सकते हैं जो आकाशवाणी स्टेशन होता है वह 1268 किलो हर्ट्ज आवृत्ति पर प्रसारण करता है, तो संचारक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। अब इसके अंदर भी आपको आवृत्ति दी गई है, ठीक है, लेकिन आवृत्ति का मान दिया गया है किलो हर्ट्ज के अंदर और हमें इस आवृत्ति को किस में परिवर्तित करना है, हर्ट्ज में परिवर्तित करना है। तो बड़ी को छोटी में करेंगे तो उसके हिसाब से गुणा किया जाएगा, है ना। तो आप सबसे पहले इसमें भी सूत्र क्या लगाओगे कि सूत्र होता है हमारा C बराबर म्यू इंटू लैम्डा, है ना, और ये ज्ञात करना है तो C बटा लैम्डा मान आएगा। अब C का मान कितना है, तो 3 × 10^8 m प्रति सेकंड के रूप में आता है। अब इसका मान ये है और लैम्डा, ठीक है। अब यहां पर हमें ज्ञात करना है, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया, अपन को क्या ज्ञात करना है इसके अंदर, इसमें अपन को तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, अपन आवृत्ति समझ गए। देखो तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा ज्ञात करना है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, C अपॉन ये आवृत्ति म्यू, है ना। अब C का मान दिया गया है 3 × 10^8 m प्रति सेकंड और आवृत्ति दी गई है अपने को 1268 किलो हर्ट्ज के रूप में, ठीक है। अब आप इसको हर्ट्ज में परिवर्तित करोगे तो आवृत्ति बराबर आ जाएगा 1268 × 10^8, कितना लिखेंगे, 3, ये किस में आ जाएगी, हर्ट्ज के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब आप इसको सूत्र में मान लीजिए तो सूत्र क्या आता है अपने पास, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 3 × 10^8 बटा, ये कितना है, 1268 × 10^8 कितना आ गया, 3। अब आप इसको हल करो, करेंगे पक्का, चलिए आप इसको हल करोगे ना तो हम इसमें मान देखो क्या ले सकते हैं कि ये 10^3 ऊपर गया, अब ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, 3 × 10^8 माइनस क्या जाएगा, 3 बटा 1268
या क्या लिखेंगे, 3 × 10 की घात अब कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। तो 5 बटा क्या जाएगा, 1268। अब आप इसको हल करोगे तो हमें ये क्या प्राप्त हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य प्राप्त हो जाती है। तो इसमें आप मान करोगे ना, तो लगभग ये मान इसका आता है 0.023 × 10 की घात 3 के आसपास आएगा, 0.023 × 10 की घात 3, ये लगभग इसके बराबर आएगा। हल करना आप, ठीक है ना, हल करके देखना, इसको आराम से आ जाएगा। तो देखो, पहला सवाल हमने लिया, वो लिया था कि आपको परास दी गई है, परास के हिसाब से मान ज्ञात करना था, बैंगनी रंग का और फिर लाल रंग का। उसमें आपको दी गई थी तरंग दैर्ध्य किसके रूप में, एनएम के रूप में, उसको हमने परिवर्तित किया मीटर के रूप में। दूसरा सवाल है जिसमें आपको आवृत्ति दी गई है किलो हर्ट्ज में, और इसको अपन ने परिवर्तित किसके अंदर किया, हर्ट्ज के अंदर। आवृत्ति दी गई थी, तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करना था, ठीक है। अब तीसरा सवाल जो है, ये तीसरा सवाल इस प्रकार से दिया गया है कि आपको उसमें तरंग संख्या, तरंग दैर्ध्य और आवर्ती का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए सूत्र वही याद रखिएगा मुख्य रूप से, ये C बराबर ये μ × λ के रूप में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन तीसरा सवाल भी लेते हैं, इस सवाल को किस तरह से हल करना है वो ध्यान रखिएगा। चलिए लिख दो इसको, ओके। देखिए आपके स्क्रीन पर तीसरा सवाल, ये सवाल है ना, तीनों परिभाषाओं को प्रदर्शित करता है, और तीनों परिभाषाओं से हम किस प्रकार से मान ज्ञात करते हैं। सवाल क्या दिया हुआ, देखो कि हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में छलांग लगाता है तो उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और तरंग संख्या ज्ञात करो। अब आपको ये तीनों चीजें ज्ञात करनी है। तीनों चीजें ज्ञात करने का तरीका यहां ये आएगा कि तरंग दैर्ध्य आप जानते हो और आवृत्ति जानते हो, कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करेंगे, कहां से, तरंग संख्या से। तरंग संख्या हमने तीसरी परिभाषा पढ़ी थी, तो तरंग संख्या सबसे पहले ज्ञात करो। तो तरंग संख्या, देखो इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, तरंग संख्या को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, μ⁻ से। इसका सूत्र होता है कि μ⁻ बराबर R(1)(n1)² - (1)(n2)² ये सूत्र होता है हमारे पास। n1 यहां पर देखो क्या आता है, तो R बराबर होता है रिडबर्ग स्थिरांक। क्या आता है, रिडबर्ग स्थिरांक, जिसका मान फिक्स है 10 97 37। ये मान आपको याद रखना है, 10 97 37, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब n1 क्या है, तो परमाणु की उच्च कक्षा, ठीक है, और n2 है परमाणु की निम्न कक्षा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम n1 लिखेंगे, n2 लिखेंगे, तो इसको किस तरह से दर्शाते हैं। तो n1 परमाणु की उच्च कक्षा कौन सी है, देखो यहां पर लिखा हुआ है दूसरी कक्षा 2 और पहली कक्षा है छोटी 1 में, है ना। तो यहां देखिए n1 बराबर मान लगते हैं अपन कितना, 2, और n2 का मान रखेंगे 1। अब देखो R रिडबर्ग स्थिरांक, रिडबर्ग स्थिरांक है ये, और n1 है परमाणु की उच्च कक्षा, यानी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, तो उच्च से निम्न में आ रहा है। तो उच्च से निम्न में आने का मतलब n1 का मान 2 और n2 निम्न अवस्था है 1, है ना। अब आप सूत्र लिखोगे तो μ⁻ बराबर R का मान होता है 10 97 37 (1/2)² - (1/1)² एक ही आया, पहली कक्षा है ना। चलिए ये 1 का स्क्वायर, अब क्या लिखेंगे, μ⁻ बराबर 10 97 37, है ना। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा,
एक बटे चार माइनस एक बटा एक, ये आएगा एक बटे चार माइनस एक बटा एक के रूप में इसे दर्शाया जाएगा। अब आप इसमें लसअप निकालोगे, लसअप निकाल के और इसको हल करेंगे तो म्यू बार बराबर 10 97 37 इंटू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4। देखो क्या आता है, चलो हल करो, लसअप आया 4, ठीक है। अब 4 एक, 4 का 4 से गुणा कितना जाएगा 1, और माइनस अब इधर 4 ये करेंगे आ जाएगा 1 माइनस 4 के रूप में आ जाएगा। अब इसको हल करोगे तो म्यू बार बराबर 10 97 37 इंटू अब ये क्या आ जाएगा माइनस का 3/4। अब जब आप इसको हल करोगे आगे तो अपने को मिलेगा मान किसका, म्यू बार का मान प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा ये म्यू बार आएगा, ठीक है। अब म्यू बार आने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से तो हमने ये ज्ञात कर लिया आगे हमारे पास देखो फर्स्ट मान ये आएगा, ये आप हल करोगे ना तो अपने पास आएगा म्यू बार, ठीक है। अब सेकंड आता है तरंग दैर्ध्य, तो ये जो तरंग संख्या होती है, तरंग संख्या जिसको अपन क्या दर्शाते हैं म्यू बार, ये हमेशा तरंग दैर्ध्य का क्या होती है व्युत्क्रम होती है। तो हम यहां पर 1/λ लेंगे, ठीक है, या अब लैम्डा लिखेंगे तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा 1/μ बार, यानी जो आप यहां से मान हल करोगे वो एक में बटा में ले देंगे, बटा में आते ही आपके पास क्या मान आ जाएगा तरंग दैर्ध्य का मान आ जाएगा। उसके बाद देखो ये पहले ये ज्ञात किया इस सूत्र से, फिर ये ज्ञात करना है तो बटा में लिख देंगे इसको। अब ये मान ज्ञात करोगे तो इसके बाद हमें क्या लेना है, इसके अंदर आवृत्ति लेनी है। तो देखिए आप, अब आवृत्ति बराबर, अब आवृत्ति ज्ञात करनी है तरंग दैर्ध्य, इस सूत्र से लेंगे आप, ठीक है। हमारे पास सूत्र क्या होता है सी बराबर म्यू इंटू लैम्डा, अब आवृत्ति ज्ञात करनी है तो आवृत्ति बराबर हो जाएगा सी बटे लैम्डा, यानी जो मान आप इधर से हल करोगे यहां से इस मान को इधर लिख देंगे, इधर किसमें सी के बटा में लिख देते हैं तो अपने को क्या मान प्राप्त होता है आवृत्ति का मान प्राप्त होता है। तो देखो इसको कैसे हल करना है, आपको जो मान दिया गया है सबसे पहले आप तरंग संख्या निकालोगे इस सूत्र के द्वारा, ठीक है। इधर आया था n1² - n2², ठीक है। फिर आप क्या करोगे वापस आगे, ये मान ज्ञात करने के बाद हमें पता है तरंग संख्या और तरंग दैर्ध्य दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपातिक होते हैं, तो तरंग संख्या होता है 1/λ, तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा ये इधर आ जाएगा, तो ये मान इधर से निकाल दोगे। ये मान निकालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए किसका मान लैम्डा का, लैम्डा का मान यहां से ज्ञात करोगे, यहां से ज्ञात करेंगे तो सी अपॉन क्या आ जाएगा लैम्डा के रूप में दर्शाया जाता। तो इस सवाल को इस प्रकार से पूरा हम क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहली चीज तो आपको एक ये ध्यान रखनी है, इससे पहले वाले दोनों सवाल है ना वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हाँ ये जो मैंने यहां चीजें छोड़ी है इसको खुद हल करने का प्रयास कीजिएगा, ओके। तो हमने यहां आज ये मुख्य रूप से 3 सवाल किए, नेक्स्ट वीडियो अपन लेंगे कृष्णिका के बारे में। तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।